अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, एक दफ़ा फिर आप सब की खिदमत में हाजिर हूँ। तो दोस्तों की ज़्यादा फरमाइश पर मैं इनके साथ आ चुका हूँ। जा रहे हैं नॉर्दर्न एरिया की तरफ, जो कि पिछले साल भी गए थे कुमराट वैली की तरफ। अभी बस इंशाल्लाह कुछ ही देर में निकलेंगे। रुके हैं गाड़ी का टैंक फुल करने। जब से कुमराट के नज़दीक हुए हैं तो मुसलसल माशाल्लाह से बारिश है, और इधर रास्ते में रुके हैं अभी चाय माय पीने। बहुत ही तेज़ बारिश है और बहुत ही खूबसूरत मौसम। माशाल्लाह, वाह वाह वाह। अभी पहुँचे हैं कुमराट वैली, रात के 10 बजे। तो अभी इधर रुके खाना वाना खाने के लिए। और शाहजी बिल्कुल थका हुआ इसी तरह। हाँ शाहजी, क्या हाल है? जोर बखैर जी, जैसा बिसार मज़ेदार ठंडा मौसम। ओ जैकेट संभर कर ले दी। जबरदस्त जबरदस्त जस बंदर रही थी कि बिरादर इन भाई जैकेट को शक है ना, बस को रहना हमारा डंडा जो। लड़के बहुत ही थके हैं, आप देख सकते हैं किस तरह से खा रहे हैं। बासित अच्छा, ऊपर देखो, अच्छा ऊपर देखो। अभी हम लोग कहाँ पे? अभी हम लोग कहाँ पे? कल बाजार में खाना खा रहे हैं। जय शुभाली इसको हर चीज़ में जो है नखरे ज़रूर कम रहे हैं। कुरमा जो है चिकन कुरमा है, उसमें से स्मेल आ रही है। बर्गर है ना, इसी वजह से मम्मी डैडी वाले। इधर सामान शिफ्टिंग हो रहे हैं इस गाड़ी से उस गाड़ी पर, क्योंकि ऊपर हमारे ये गाड़ी नहीं जा सकते, रास्ता ख़राब है। अच्छा, तो आज आए हैं हम काला चश्मा। इस इलाके को काला चश्मा कहते हैं, इस इलाके का नाम काला चश्मा के नाम से मशहूर है। इसका पानी काला तो नहीं है, मगर इसका नाम ही इसी तरह काला चश्मा रखा हुआ है। तो इंतहाई खूबसूरत जगह और बेहतरीन व्यू के साथ हम इस जगह को एंजॉय कर रहे हैं। शाहजी कैसा चल रहा है ट्रिप? बहुत जबरदस्त माशाल्लाह। एंजॉय कर रहे हो? हम बहुत एंजॉय कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे आके बहुत सुकून मिलता है, बहुत मज़ा, बहुत मज़ा आ रहा है। फिर गार्डन हो रहा है। कितना फ्रेश करता है बंदे को? बंदे को 5 साल जवान। वाह 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 जबरदस्त। और इसमें जो है
पाँच सेकंड से ज़्यादा बंदा जो है हाथ का पैर नहीं रख सकता, बहुत ज़्यादा ठंडा है ना, क्योंकि ग्लेशियर का पानी है। शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमान जी, तो आप लोग देख सकते हैं अभी हम लोग कुमराट के बहुत आगे, काला चश्मे के बहुत नज़दीक, तो अभी थोड़ा दूर है हमसे, हम लोग पहुंच गए। अस्सलाम वालेकुम फरहान के व्यूअर्स, आप खैर से हो, ठीक ठाक हो? तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम लोग पहाड़ की ऊंचाइयों में, आप देख सकते हैं। वाह वाह, और क्या है इसके अलावा? और ये पानी है और में आपका फर्स्ट एक्सपीरियंस है इस इलाके का? सेकंड। कब आए थे? ये आपका टूर गाइड आप बताओ ना। अभी हम जो है आपको वहाँ पे लेके जाएंगे। अच्छा, मौसम को देख के। कहाँ पे? वहाँ पे ग्लेशियर्स के पास, मौसम को देख कर फिर वहाँ पे अभी जाने का प्रोग्राम है। कह रहे थे कि अभी मी उसद फरहान और बासित जो है वहाँ पे ग्लेशियर्स के पास जाएंगे। अच्छा, वो वहाँ पे ग्लेशियर ये देख के खंजर हम लोगों ने लाया है, उधर से जाके दरख्त काट के ले आएंगे। तो काला चश्मा से वापस आ गए हैं कुमराट वैली में। आज रात हमने ये कैंप्स बुक किए हुए हैं, तकरीबन दो रात यहीं पे गुजारेंगे। तो ये है कैंप के अंदर के कुछ मनाजिर, सामान वामान पड़े इधर, ये देख सकते हैं आपके सीन, चार्जर मार्जर सब लगे हुए इसी तरह से, और उधर ये सब सारा लाइट का इंतजाम भी है, और टेंट के अंदर से कुछ इस तरह के व्यू मिलते हैं। वाह वाह वाह, माशाल्लाह माशाल्लाह, यहाँ पे गुजारने का मज़ा ही कुछ और। ये तो रात शुरू होते ही यहाँ पे बॉनफायर का प्रोग्राम शुरू हो रहा है, भाई हमारे लिए आग जला रहे हैं। और ये आग भी जल चुका है माशाल्लाह से, बहुत ही सर्दी है आज रात। आशा जी, आशी मातिश्वास आपके खिदमत में हाजिर है कुमराट वैली में, आतिशबाजी करते हुए जो भी, और उस लड़के को बहुत सख्त सर्दी लगी है। बच्चा हमारा बच्चा। अच्छा, तो रात का खाना भी रेडी है, खाने में है चिकन कढ़ाई, साथ में दाल और चावल। गुड मॉर्निंग फ्रॉम कुमराट वैली। सुबह सुबह जब नींद से आँख खुल जाए और सामने ये खूबसूरत जन्नत नुमा मंजर हो तो इंसान का दिमाग बहुत फ्रेश हो जाता है। खूबसूरती देख ले माशाल्लाह, वाह वाह वाह। आज हम जा रहे हैं एक और स्पॉट पे ऊपर की तरफ, जिसे जहाज बंदा कहते हैं। तो अभी सुबह के 9:30 बजे बस लेके उठ रहे हैं और तैयार हो रहे हैं, इंशाल्लाह कुछ ही देर में करते हैं नाश्ता और उसके बाद निकलते हैं अपने अगले स्पॉट की तरफ।
वो कुमराट से निकल चुके हैं, अभी गाजबंदा के रास्ते में हैं, जो कि इस तरह के रास्ते हैं, मुसलसल एक घंटे से आ रहे हैं। और ये हमारी गाड़ी, अभी ड्राइवर साहब गाड़ी के ब्रेकों को थोड़ा सा पानी लगा रहे ताकि ठंडा हो जाए और ब्रेक काम करना ना छोड़े। तो इंतहाई खूबसूरत व्यू को इंजॉय करते हुए जा रहे हैं हम अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे। लड़के अभी फुल चार्ज, शाजी भी अभी उतर रहे, और ये बासित जो बहुत ही खुश है, जिस दिन इस ट्रिप पे आए बहुत ही खुश है। औसत जो है सिर्फ सो रहे हैं इस ट्रिप में, पता नहीं इसे इस ट्रिप में क्या हुआ है, जब से आए ये सिर्फ सो रहे। वासित क्या करें यार इसके साथ, समझाओ इसको। बस जादबंदा में पहुंच करें, से काम करेंगे कि अंदर नहीं सो, याद करें फिर ये। देखो वो मिसाल सुना है, दबेदारी छिमाई मखावर, वो तो है मिसाल। नहीं बिल्कुल ये मिसाल नहीं है, झूठ बोल रहा नहीं है ना। हम सोए जागे हमारा आंख किसी तरह बाकी। जी उस्ताद आशिम क्या हो रहा है? गाड़ी थोड़ा गर्म हो गया। अच्छा, ठंडा कर रहा है थोड़ा, फ्रेश हो जाए। बहुत मजा आ रहा है। ये पहाड़ों को दे सकते हैं आप, दिलकशीश माहौल है। माहौल जिंदगी में पहली बार देखा यार, और शायद बारिश भी हो जाए, लगता तो ऐसा ही है कि बारिश हो जाए। इसकी वजह से हमारी गाड़ी ऊपर नहीं जा सकता क्योंकि बहुत ही ज़्यादा कीचड़ है और बारिश भी मुसलसल हो रही है, तो इसी वजह से हमें यहाँ से पैदल जाना पड़ेगा, जो कि मुश्किल भी है। घर खैर वो भी एक यादगार लम्हा होगा और एडवेंचर होगा हमारे लिए भी। सामान वामान उतारते हैं और फिर देखते हैं क्या होता है। तो हाइकिंग करके जा रहे हैं पहाड़ की तरफ, देख ले रश भी है माशाल्लाह से। अभी तकरीबन हमारा रास्ता 2 घंटे से ज़्यादा रह रहा है, 2 घंटा हमें इसी तरह पैदल जाना होगा मौसम की ख़राबी की वजह से। तो पहुँचे अभी टकी टॉप पे, यहाँ से रहते हैं अभी जासबंदा, तकरीबन 2 घंटे का सफ़र है, तो भी यहाँ से लेते हैं घोड़ा, इसके बाद घोड़े की सवारी करते हैं जैसे कि पिछले साल भी किया हुआ था। तो ये है यहाँ तक का व्यू, वाह वाह माशाल्लाह। तो रश भी ज़्यादा है माशाल्लाह से। अभी ये चलते हैं घोड़ा लेते हैं और उसके बाद अपनी मंजिल की तरफ चले जाते हैं। क्या बोल रहे वासित? तो बड़ी मुश्किल से हमें 2 घोड़े मिले हैं, बाकी औसत और शाजी पैदल आ रहे हैं सामानों के साथ, तो इसी तरह चलते जंगल से। ये कुछ यहाँ के मनाजिर है, जंगल ही जंगल। और ये मेरा घोड़ा। वाह वाह माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या नज़ारा क्या व्यू है। इधर थोड़ी देर के लिए रुके हैं स्टे करने के लिए, थोड़ा रेस्ट करने के लिए चाय माय पीते हैं, इसी तरह जा रहे हैं। बस इंशाल्लाह 20 मिनट आधा घंटे में पहुंचेंगे अपने डेस्टिनेशन पे। पहुंच गए, चाय भी आ चुके हैं। वो देखो मारो वो छोटा सनन्ना बीबी वाली किधर है? चार अभी पहुंचे हैं जहाज बंदा और जा रहे हैं टेंट बुक करने औसत के साथ। औसत कैसा माहौल है यार? हर दफा जो अच्छा वो
बहुत ही पुरसकून जगह माशाल्लाह, बहुत ही रिलैक्सेशन वाली जगह है। इंसान थका थका आता है मगर आते ही सब थकावट दूर और ख़त्म, बहुत ही मज़ेदार जगह है। तो खैर अभी चलते हैं, टेंटों को बात करते हैं कि क्या रेट चल रहा है और बुकिंग करते हैं आज रात के लिए और बाकी ये व्यू चेक कर लें। गर्मा गर्म चाय और पकोड़े भी आ चुका है यार। शाहजी ले आओ यार चाय को। हाँ बस ये एक स्निफ कर दो बस, आपकी खिदमत पे की खिदमत। ओ एक मुक्का आप देख सकते हैं हमारे दोस्तों को, पहली दफा बेचारा इस जगह पे चाय पी रहे हैं। ले आओ ले आओ। खुदमन खबर। वाह 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 वाह। टेस्ट करो शाहजी किस तरह है। कैसा है? जबरदस्त है। शाहजी हमारे लिए करेंगे कुकिंग। शाहजी क्या पका रहे हो? यार हमने जब से क्वेटा से निकले सिर्फ गोश्त ही खाया है। आज रात जो है आलू बनाऊंगा, सब्जी आलू की भुजिया आलू कढ़ाई बनाऊंगा आप लोगों के लिए। ठीक है सही है, बस इंशाल्लाह देखते हैं। टमाटर साथ में आलू कुमराठी आलू सुर्ख आलू और इधर आग भी तैयार है बिल्कुल लपे में लपा चांद पे लपो और आलू सालन भी तैयार है शाहजी के हाथों से। वाह 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 वाह। देसी टापी को दी के बच्चे नरम के दो ही दिन तैयार गौ छपा को दो ही दिन। सही है मुदाई कौरा पूछना। हां बस आप लोग ये काले और मुझे दुआ दे। बस ठीक है। कबाब से भी ज्यादा टाइम लगा। प्लीज शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब। गुड मॉर्निंग फ्रॉम जासबंदा। तो अभी निकल रहे वापस नीचे की तरफ। नाश्ता वाश्ता आज वही बाजार से ही करेंगे क्योंकि इधर सही नाश्ता नहीं मिलता है। तो लड़के लगे हुए हैं पैकिंग पे, तैयारी है वापस जाने का।